व्हाट रबिश। जानवी अपने पिताजी को जोर से छावण मार दो। अजय देवगन एक ऐसे दमदार एक्टर है ना जिनके एक्टिंग का हर कोई कायल है। जब वो एक्टिंग करते हैं तो उनके फेस पे तो वो दमदार एक्सप्रेशन होता ही है और साथ में उनकी आंखों के द्वारा भी एक्टिंग करी जाती है। जब भी वो बड़े पर्दे पे आते हैं तो दर्शक उनको देख करके झूम उठते हैं क्योंकि भाई उनका एक्टिंग ही होता है लाजवाब लेवल का। और उसका जीता जागता एक और उदाहरण, उनकी नई फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च किया गया है। उस फिल्म का नाम है शैतान। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें उनका काम होने वाला है। जब ये ट्रेलर आप लोग देखोगे, सिर्फ ट्रेलर है भाई, ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेलर देख करके ही आपकी रूहें निकलने वाली है क्योंकि इतना खतरनाक ट्रेलर मैंने बहुत दिनों की बात देखी है। आई थिंक आपने भी देखी होगी क्योंकि हॉरर फिल्में बॉलीवुड में बनने तो बंद ही हो चुकी थी और अगर बनती भी थी तो दर्शक भी जानते थे कि क्या यार क्या ये डरावना करेगा क्योंकि घिसी पिटी ही आपको हॉरर फिल्म की कहानी होती थी। हालांकि ये भी ऑफिशियल रीमेक है गुजराती फिल्म वश का, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म को नहीं देखी होगी क्योंकि उसका हिंदी डब आया नहीं था। चलो उस फिल्म की बात न करते हुए बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर में आपको देखने को मिलने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन के साथ दमदार एक्टर आर माधवन, उसके बाद दमदार एक्ट्रेस तामिल की एक्ट्रेस है, वो भी तामिल के सुपरस्टार सूर्या की पत्नी है। क्या जबरदस्त वाला एक्टिंग किया गया। और इस फिल्म में जिस पर काला जादू किया जा रहा है ना, और उस लड़की का नाम है जानकी बॉडी वाला, क्या शानदार उनके द्वारा अपने कैरेक्टर को निभाया गया है। तो भाई एक्टर का तो यही निशानी होती है और एक्टिंग भी उसी को कहा जाता है जिसको देखने के बाद दर्शक कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई ये एक्टिंग है और उसमें वो फिट बैठी है। बात करते हैं इस ट्रेलर के टाइम लेंथ के बारे में, तो ट्रेलर का टाइम लेंथ 2 मिनट 26 सेकेंड है और 2 मिनट 26 सेकेंड में ही आप लोग जान सकते हो कि ये जब पूरी फिल्म आप लोग बड़े पर्दे पर देखोगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं क्योंकि इतना खतरनाक वाला इसमें काम किया गया है ना। ये फिल्म पूरी तरह से सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म होने वाली है, तो कहानी भी भाई उसी तरह का इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कहानी की शुरुआत इसमें होती है, इसकी कहानी होने वाली है आर माधवन का मोबाइल डिस्चार्ज होता है, वो एक घर में आते हैं जिसमें अजय देवगन, उनकी पत्नी ज्योतिका और उनकी बेटी रहती है। वो घर के अंदर आते ही कहते हैं कि मैं 15 से 20 मिनट लूंगा, मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो अजय देवगन के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है आप 15 मिनट बैठ जाइए और मोबाइल चार्ज कर लीजिए। और वहाँ पे जो आर माधवन के द्वारा जो तंत्र विद्या का खेल दिखाया जाता है ना, जो वशीकरण दिखाया जाता है, वो अजय देवगन और ज्योतिका की जो बेटी बनी है जानकी बॉडी वाला, उसको आर माधवन के द्वारा वश में कर लिया जाता है। अब भाई कहानी वहीं से शुरू होती है जब अजय देवगन और उनकी पत्नी को भनक इसकी लगती है कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, तो आर माधवन को कहा जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर आर माधवन के द्वारा ये कहा जाता है कि मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्या सीन वहाँ पे दिखाया गया, उसके बाद शुरू होता है हॉरर वाला तांडव। क्या दिखाया गया है यार, और क्या एक्टिंग दिखाया गया है अजय देवगन का। देखो कभी ये सिंघम बन जाते हैं, कभी दृश्यम के एक गृहस्थ जीवन का एक लाचार बाप भी बनते हैं, और यहाँ भी वो यही बने हैं। एक्टर वही है और उनकी एक्टिंग वही है जो दर्शक जब देखे तो लगे कि इस रोल के लिए यही बेस्ट एक्टर थे, और ये अजय देवगन का कमाल है कि वो इसको जीवंत कर देते हैं। और बहुत दिनों के बाद आर माधवन का भी आपको इसमें शानदार एक्टिंग दिखने वाला है। जब आर माधवन के द्वारा कहा जाता है लड़की को कि तुम चाय पत्ती खा लो, तो लड़की पूरी की पूरी चाय पत्ती अपने मुंह में रख लेती है। वो सीन भाई मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग हॉल में जाना, अकेले मत इस फिल्म को देखना, एक दो लोगों के साथ देखना, क्योंकि आपके हाथ को पकड़ने के लिए कोई तो चाहिए, नहीं तो आप बहुत खतरनाक वाली फिल्म होने वाली है। उसके बाद लड़की को अपने आप को थप्पड़ मारना, उसके बाद लड़की ने अपने पिता यानी कि अजय देवगन को थप्पड़ मारना, और एक बाप के लिए ऐसा सीन क्रिएट कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा, तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि किस लेवल की ये फिल्म होने वाली है। उसके बाद आर माधवन और अजय देवगन के साथ फाइट सीन, क्या जबरदस्त एक्शन वहां पे दिखाया गया है।
उसके बाद आर माधवन के द्वारा चिल्ला करके ये कहना कि तुम किसके सामने खड़े हो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन हूं। ये जो लाइनें है ना भाई, जबरदस्त वाले लाइनें हैं। इसको सुनने के बाद दर्शक पागल हो जाएंगे, हॉल में तालियां से हॉल गूंजने वाली है। यही तो एक्टिंग चाहिए था यार दर्शकों को, जो काफी दिन से मिसिंग दिख रहा था, खासकर हॉरर वाली फिल्मों में। उसके बाद लड़की को एक गैस सिलेंडर जो कि खुला हुआ है, उसमें पाइप नहीं लगा हुआ, गैस निकल रही है, उस पे खड़े होकर के और हाथ में माचिस की तीली के साथ हाथ में रख करके और माचिस जलाने वाली होती है। वो सीन भाई इतना डरावना सीन है ना कि आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि यार अब क्या वो माचिस जला देगी, क्या वो तीली जला देगी, क्या पूरा घर जल के राख हो जाएगा। वो यार एक सस्पेंस है और क्या अनबिलीवेबल वाला सीन वहां पे क्रिएट किया गया है। उसके बाद एक अजय देवगन को बाइक चलाने वाला सीन है, आप लोगों ने गौर किया होगा तो उनके बाएं हाथ में चाकू लगा हुआ है, उसके बाद भी वो बाइक स्पीडली कहीं भगा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। उसके बाद जंगल में एक हॉन्टेड हाउस है, वहां पे भी बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है अजय देवगन के साथ। उसके बाद उनकी पत्नी के द्वारा भी वहां पे आपको थोड़ा बहुत लड़ाइयां दिखने वाली है। फिर एक ऐसा सीन आपको देखने को मिल रहा होगा इस ट्रेलर में, जिसमें कुछ लोग अजय देवगन को घसीटते हुए कहीं ले जा रहे हैं। क्या बात है यार, जहां अजय देवगन एक माचो वाला किरदार किसी और फिल्म में निभाते हैं, तो यहां आप देख लो कि वो कितने लाचार हैं। जहां वो एक पंच में कितने भी खलनायक हो उसको वो ऊपर पहुंचा देते हैं, और वहीं इस फिल्म में उन्होंने क्या लाचारीपन का एक उदाहरण दिया है। तो इसी को तो एक्टिंग कहा जाता है, इसी को तो डायरेक्शन कहा जाता है। वैसे इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना, उनका नाम है विकास बहल, और क्या डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी तो ट्रेलर देखने के बाद यार ये हाल है, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर दर्शक देखेंगे। इस ट्रेलर के लास्ट में एक सीन है जिसमें आर माधवन सोफा सेट पे लेटे हुए हैं और वो लड़की को कह रहे हैं कि अगर कोई भी उनके पास आता है तो उसे वो चाकू घोंप दे। भाई ये क्या डेडली लाइन है, क्या अनबिलीवेबल ये लाइनें हैं, क्या खतरनाक वाली ये डायलॉग्स है, जिसको सुनने के बाद दर्शक पागल होने वाले हैं। तब तक आप इस ट्रेलर को देख करके मजा लीजिए, और थोड़ा बहुत आप डर भी सकते हैं क्योंकि डरने वाली फिल्म है, तो यार डरना तो बनता है। और इंतजार कीजिए 8 मार्च का, जब ये फिल्म रिलीज होगी। तो आज के वीडियो में यही था, उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख करके आप लोगों को मजा के साथ थोड़ा बहुत तो डर लग ही गया होगा। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।